जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के इस नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका। आज की वीडियो की हमारी जो टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर के बारे में बता दिया है। तो आज आप जानेंगे कि हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से उसमें काफी सारे मेथड थे, ठीक उसी तरीके से इसमें भी मेथड है। ध्यान दीजिएगा आप इसमें क्या करेंगे, सीरीज मोटर जहां पे है तो वह जो फील्ड वाइंडिंग उसकी तो सीरीज में लगी होती है आर्मेचर के। अब देखिए एक एक विधि में अच्छे से आपको समझाते हुए चलता हूं, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, नहीं तो फिर मुझसे मत कहिएगा कि हमें समझ नहीं है और यह पेपर में आता है, 5 नंबर यहां से मिल सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ और भी टॉपिक देगा 5 नंबर का अगर यह देता है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है बोर्ड की नजर से, बाकी आप देखेंगे कहेंगे तो भाई बहुत लंबा टॉपिक है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वह होता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड को फील्ड कंट्रोल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया है, आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर बनाई गई है, इसके फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में, फील्ड वाइंडिंग के समांतर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या किया गया, जोड़ दिया गया है, या फिर बोले आप कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट करने के बाद आपने वी वोल्ट की इस मोटर को सप्लाई दी है, और प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह एक डीसी मोटर है, ठीक है। अब समझिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये करेंगे ना फील्ड करंट को देखेंगे। जैसे आपको मैं एक इक्वेशन दिखाऊं, आपने एक फार्मूला पढ़ा है n प्रोपोर्शनल टू eb अपॉन में phi, यह फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है आपने, आपने यह पढ़ा कि अगर फील्ड करंट की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, फील्ड आपका फ्लक्स में उत्पन्न होता है तो इसीलिए फ्लक्स और फील्ड एक ही होता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका कि जैसे देखो फ्लक्स आपका ना मतलब फील्ड करंट कम हो गई, जब फील्ड करंट कम हो गई तो आपका फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। जब फ्लक्स आपका कम हो जाएगा तो आपकी जो मोटर की स्पीड है वह बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि इस विधि के द्वारा हम अपनी मोटर की जो कंट्रोल कर रहे थे उससे हमें क्या एबव रेटेड स्पीड मिलती है, यानी मोटर की गति जो होती है वह बढ़ जाती है, ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से। चलिए लिखने का कंटेंट क्या है यहाँ पे समझ लीजिए, बाकी वही चीज है सब कुछ। देखिए क्या कहा गया, इस विधि में सीरीज मोटर के फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस यानी पैरेलल में एक परिवर्तनशील यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान हम परिवर्तित करके फील्ड वाइंडिंग में जो करंट है, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार हम उसकी करंट को यानी धारा को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और इस विधि से निर्धारित यानी रेटेड स्पीड से अधिक यानी हाई स्पीड हमें प्राप्त होती है। जैसे एक चीज मैं एग्जाम्पल आप बता दूं कि कभी भी ध्यान देना बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाते हैं, मेन इसका रीजन यही होता है। आगे जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो इसका एक करैक्टरिस्टिक्स होता है यानी एक अभिलक्षण होता है, जिसमें आप जानेंगे कि जो अभिलक्षण इसमें है ना वो किस तरीके से, इसमें टॉर्क बहुत ज्यादा होता है बहुत कम करंट वगैरह पे, तो उसके बारे में आगे मिलेगा आपको। तो अभी यहां समझना यही है कि जो फील्ड करंट मतलब फ्लक्स कंट्रोल मेथड या बोल लो इसको फील्ड कंट्रोल मेथड, इस विधि से क्या करते हैं हमें एबव रेटेड स्पीड प्राप्त होती है। इस फिगर को 2 बार या 3 बार बना के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बाकी करैक्टरिस्टिक जब देखोगे तब पता चल जाएगा कि क्यों हम डीसी सीरीज मोटर को बिना मतलब लोड के नहीं स्टार्ट करते। हमने एक बार देखा भाई बहुत भयानक स्टार्ट हुआ था, पूरा जो जिस रूम में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लैब में वो पूरा हिल गया था समझ लो एक प्रकार से, ठीक है। तो दिखाऊंगा तो नहीं, हालांकि आप इसके लिए यूट्यूब वीडियो को और देख सकते हो, बाकी समझ लो। यहाँ पे आगे देखिए अगला मेथड है बाई आर्मेचर डाइवर्टर यानी आर्मेचर परिवर्तक द्वारा, या आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड या बाई आर्मेचर डाइवर्टर भी बोल सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमारी डीसी मशीन थी देखो यही मतलब डीसी सीरीज मोटर, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया वी वोल्ट की सप्लाई दी है भाई आपकी। तो देखो वी वोल्ट की मोटर को सप्लाई दी है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये आपका आर्मेचर हो गया। हमने क्या किया इसी आर्मेचर के पैरेलल में यानी आर्मेचर के अक्रॉस हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब यह रेजिस्टेंस क्या करेगा, हम इसके मान को परिवर्तन करके भाई इसमें करंट के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आप एक चीज समझिए, पहले ध्यान से समझना, अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि ये जो प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है इसके मान को कम कर देंगे, ठीक है, तो आर्मेचर में जो फ्लो होने वाली करंट है वह कम हो जाएगी। अगर हम लोग इसके मान को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो आर्मेचर में जो फ्लो होने वाली करंट है वह भी बढ़ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ
इसको कम करोगे तो आर्मेचर करंट कम, इसको बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी। कैसे, जरा समझिए ध्यान से। जैसे देखिए, ये आर्मेचर आपका है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, देखो ये जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, वो हमेशा 0.3 ओम है इस तरीके से, ठीक है। और ये तो वेरिएबल है। अगर देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, मान लो अगर हम इसको मैं कम कर दूं 0.1 कर दूं, ठीक है, या मैं इसको क्या कर दूं 0.1 ना करके या 0 भी कर दूं, मतलब रेजिस्टेंस हालांकि होता है तो मैं मान लेता हूं इतना। तो अब देखो इसकी वैल्यू हमने सबसे कम की, मान लो 0.1 से मैं 1 तक इसको ले जा सकता हूं। तो जब 1 कर दूंगा, देखो इससे यह कम हो गया, तो यानी करंट क्या होगी, ऐसे आएगी, इधर से होकर फ्लो होगी, ऐसे आएगी, 1 वाले से फ्लो होकर होगी। लेकिन अगर मैं इस वाले वैल्यू तक बढ़ा दूं इसको, इस रेजिस्टेंस को यहां तक बढ़ा दूं, तो करंट इधर ना करके इधर ही फ्लो हो जाएगी। तो यही चीज इसमें होता है। और इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी मोटर होती है उसमें हमारी, मतलब इस विधि से मोटर क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, कम की जा सकती है। इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं, यानी कम कर सकते हैं। तो लिखने का मटेरियल क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, फिगर 2-3 बार बना लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा और पेपर में याद भी रहेगा। देखिए, इस विधि में सीरीज मोटर के आर्मेचर के क्रॉस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फिगर याद है तो ये लिख ले जाओगे, मैं कभी दूसरे वीडियो में आऊंगा बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से कैसे लिखा जाता है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है, प्रतिरोध यानी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसके मान को घटाने पर आर्मेचर करंट में धारा, यानी आर्मेचर करंट जो होती है वह क्या हो जाती है, वह आपकी कम हो जाती है या घटती है, जिससे क्या होगा, मोटर की गति भी कम हो जाएगी, आर्मेचर करंट क्योंकि कम हुआ है। तथा अगर ये प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो आर्मेचर में क्या होगा, करंट यानी धारा अधिक प्रवाहित होने लगती है, जिससे मोटर की गति बढ़ जाएगी, ठीक है। इस विधि से मोटर की जो गति होती है कम की जा सकती है, ठीक है, जबकि इससे पहले जो आपने पढ़ा फ्लक्स कंट्रोल मेथड, उससे हम कम नहीं कर सकते। इस विधि से कम भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। अगला देखिए क्या है, टेप हुई क्षेत्र नियंत्रण विधि। अब देखो ये टेप हुई क्षेत्र नियंत्रण विधि का मतलब, यानी बाई टाइपिंग मेथड, ठीक है, बाई टाइपिंग मेथड इन फील्ड वाइंडिंग में करके। देखो अब ये टाइपिंग होती क्या, अगर आप टाइपिंग समझ लिए ना तो हमेशा के लिए आप टाइपिंग समझ जाओगे होता क्या है। देखो सबसे पहले देखो, ये एक वायर होता है, यह वायर है नॉर्मल सा, मैं मान लेता हूं कि यह क्या है, हमारा कॉपर का वायर है, ठीक, और यह क्या है, इंसुलेट है, यानी इस पर एक क्या कोटिंग चढ़ी होती है, जो कि इंसुलेट की कोटिंग चढ़ी होती है। आप क्या करोगे, इसी वायर को ले करके क्या करोगे, ये कुछ इस तरीके से, मतलब किसी गोल पाइप वगैरह पे लेकर के इस तरीके से घुमा दोगे तो यह क्या बन जाएगा, यह क्वाइल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यह मान लेते हैं वायर और बड़ा है, ये कुछ इस तरीके से है। मैं क्या करूंगा, देखो यहां से ऐसे उठाया ना, ऐसे, तो ये देखो मैंने 2-3 टर्न लगा दिए ऐसे, फिर यही 2-3 टर्न लाऊंगा मैं, ये देखो थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर इसको काटेंगे नहीं, यहां से काटेंगे, सिर्फ इसके इंसुलेटर को हटा लेंगे, हमें यूज करना है तो। बाकी मैं फिर क्या करूंगा, इसी को ऐसे ले जाऊंगा, बाकी आप कट कर देंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्रकार से दिक्कत होती है, ठीक है, इसलिए कट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से इंसुलेशन को हटा देंगे, यूज करना होगा तो यूज कर लेंगे। फिर यही वायर जाएगा, मतलब इस तरीके से कॉइल बनाएगा, फिर मुझे निकालना है तो इस तरीके से निकालूंगा, फिर ऐसे कर लूंगा, फिर इस तरीके से टर्न लगाऊंगा, ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से करके इस तरीके से निकल जाएगा। अगर देखो हमने क्या किया, इसी वायर के लिए जैसे कुंडली बनाई, इसी तरीके से कुंडली है, लेकिन क्या किया, जगह जगह मैंने टाइपिंग कर दी उसी वायर से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ से मान लो पॉजिटिव जा रहा था और इधर से पूरा लोड होते हुए आपका निगेटिव आ रहा था, तो एक प्रकार से समझो यहाँ से यहाँ तक कर लूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले मैं सप्लाई दे रहा था तो अपनी ये जो फील्ड वाइंडिंग पूरी तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अगर मैं यहाँ सप्लाई ना देकर कि यहाँ पे ला के दे दूंगा तो देखो इतनी फील्ड वाइंडिंग हमारी इधर रह गई, कोई काम की नहीं, बाकी इतने मेरा काम होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर ला दिया तो इतनी काम करेगी, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, और कम हो जाएगा। बाकी मैं इस वाले पॉइंट पे ला दूंगा तो इतने में सिर्फ फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब है कि यही कि भाई हम इसमें क्या करते हैं, टाइपिंग कर देते हैं। वाइंडिंग में हम लोग टाइपिंग कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर में भी होता है, जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे ना तो वहां मिलेगा कैसे टाइपिंग करते हैं, तो जो कि मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल इसी तरीके से टाइपिंग करते हैं, 2-4 चक्कर लगा देंगे, निकाल लेते हैं। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, उसमें एक रोटरी लगी होगी, मतलब
ये मान लो स्टेपलाइजर है, इसमें इधर अगर आटो कट वाला है तो बात अलग है, नहीं तो इस तरीके से देखोगे ना एक ऐसे रोटरी लगी होगी, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे कट करोगे ना तो कट कट की आवाज आती है। वो क्यों? वो उसमें टाइपिंग की गई होती है, इसके अकॉर्डिंग उसमें काम हो जाते हैं, ठीक है टाइपिंग। तो टाइपिंग आपने समझ लिया, आप देखिए लिखने का इसका मेथड क्या है। हम लोग क्या करते हैं इससे, जब टाइपिंग देखो टाइपिंग एक दो तीन चार पे ले जाते हैं, तो भाई इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टाइपिंग की जाती है। जब कोई टर्न टेप नहीं होता है तो पूरी फील्ड वाइंडिंग परिपथ से जुड़ी होती है। इसका मतलब क्या कि टेपिंग मतलब यहाँ पे हमने नहीं जोड़ा, हमने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ा है और अपना वर्क ले रहा हूँ। अब आगे देखिए क्या होगा, टाइपिंग से जुड़ी होती है। तब क्या होता है, इस स्थिति में मोटर अपने रेटेड यानी निर्धारित गति में चलती रहती है, परंतु टैप टर्न का टैप करने पर मोटर की गति अधिक हो जाती है, क्योंकि टैप करने से फ्लक्स का मान कम हो जाता है और इसलिए जो आपकी मशीन है, ये आपकी कौन सी मोटर है, आपकी सीरीज मोटर जो है, इसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। और इस विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में करते हैं, क्योंकि भाई ट्रेन रुक जाती है, उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टॉर्क अब ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हम इसका उपयोग कहां करते हैं, ट्रेन वगैरह में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे फ्लक्स का मान कम हो जाता है, आपने पढ़ा, देखिए आपने पढ़ा यही वाला तो फार्मूला बताया था कि भाई देखो जब फ्लक्स का मान कम होता है तो स्पीड बढ़ती है। जाहिर सी आपको भी पता चल जाएगा कि भाई देखो जब यहाँ पे क्या करें, इतनी वाइंडिंग पूरी यूज करते ज्यादा फ्लक्स था, यहाँ पे कर लिए तो थोड़ा कम हो गया, यहाँ कर लिया और कम, यहाँ कर लिया और कम हो गया, तो इससे क्या होगा, पता चल गया भाई टेप मतलब टैपिंग मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, डीसी जो मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला आप समझिए, जो कि लास्ट इस वीडियो का टॉपिक है, मतलब हालांकि इसके कंट्रोल करने का और भी बहुत सारे मेथड, लेकिन कुछ आपको बेसिक जानना है। अगला आपका है क्षेत्र कुंडली, यानी फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल करा लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, इस विधि में मोटर की निर्धारित गति यानी रेटेड स्पीड से अधिक गति प्राप्त की जाती है। चित्र ए बी सी में चार पोल वाली तीन विभिन्न गतियां प्राप्त की विधि को दिखाया गया है। देखिए हर मतलब बुक्स वगैरह में आपको अलग अलग देखने थोड़ा मिल सकता है, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको वो फिगर पहले दिखा दूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यह भी आपकी एक सीरीज मोटर ही है, लेकिन क्या किया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे यह किया गया, जो फील्ड वाइंडिंग थी इसको हमने बराबर बराबर चार भागों में बांट लिया, फिर इसको ऑपरेट करा रहे हैं, इसमें आई करंट टोटल जा रही है। लेकिन हमने अगले स्टेप में क्या देखा, हमने अगले स्टेप में यह देखा जा रहा है आपको कि यही फील्ड वाइंडिंग को हमने क्या किया, पैरेलल में दो दो के पैरेलल में बांट करके हमने यूज कर लिया। तो देख सकते हैं हाफ करंट इधर हाफ करंट इधर, यानी टोटल आई था तो हाफ हाफ इधर फ्लो करके फिर इस तरीके से जाती है। ठीक उसी प्रकार से तीसरे में क्या हुआ कि इस तरीके से जाती थी, लेकिन एक हमने क्या लगा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, देखो इसी के पैरेलल में लगा दिया क्रॉस में, तो इससे क्या हुआ इसकी इसकी वैल्यू अगर हम कर देंगे कम कर देंगे तो भाई फील्ड करंट कम हो जाएगी, फील्ड करंट कम हुई तो फ्लक्स कम हुआ, और जब फ्लक्स कम हुआ तो आपको पता है कि मोटर की गति बढ़ जाती है। तो इस विधि से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपकी बढ़ जाएगी और इधर आपका आर्मेचर से होते हुए चलाएगा, ठीक है इधर आपका क्या आर्मेचर से होते हुए चलाएगा, चित्र सी में दिखाया गया। अब आप देख लीजिए इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, बाकी ये पेपर में 5 नंबर के ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं कि जब फील्ड वाइंडिंग को समांतर में जोड़ते हैं यानी पैरेलल में जोड़ते हैं तो मोटर की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लक्स का जो मान होता है वह घट जाता है। आपको पता है आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, फ्लक्स का मान कम हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगी इसी फार्मूले से। इस विधि से ठीक है, इस विधि में या इस विधि से मोटर की गति जो होती है, हमारी डीसी सीरीज मोटर है, इसकी सिर्फ स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपने चार मेथड डाला, एक तो सबसे पहले कि आपने फील्ड या फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड जिसे कि आप आर्मेचर डाइवर्टर मेथड भी बोलते हैं, अगला टाइपिंग मेथड से, उसके बाद क्या कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग थी उसको सेपरेटली पैरेलल में बांट करके कैसे मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का तात्पर्य यह नहीं है कि मोटर की स्पीड को कम करना है, आप कंट्रोल करेंगे तो उसमें बढ़ भी सकती है कम, जिसके अकॉर्डिंग होगा वो देखा जाएगा। अब जरूरत है कि अगर आपको कम करना है तो आप कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि ये चार मेथड बताए हैं, और भी मेथड होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।